very good morning one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. तो देखते हैं 28 अक्टूबर के करंट अफेयर साथ में उनके जीके. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन संबंधित है पहला सोयाज रॉकेट. जो पहला सोयाज रॉकेट है किस देश ने लॉन्च किया है इसको. तो लॉन्च किया है रूस ने इसको लॉन्च किया है. यह पहले भी लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा लेकिन पहले विफल हो गया था तो इस वजह से इसको दोबारा लॉन्च किया गया. इसको सोयाज या सोयूज करके भी दोनों नाम से बोला जाता है. तो देखते हैं रूस के बारे में. आप मैप में देख सकते हो रूस कहाँ पर स्थित है. देखते हैं इसकी राजधानी क्या है. इसकी राजधानी है मॉस्को. राष्ट्रपति कौन है तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन. बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है पीएम कौन है तो पीएम है दिमित्री मेदमदेव. बात करते हैं यहाँ की संसद का नाम क्या है. यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा. यहाँ की संसद है. बात करते हैं मुद्रा क्या है तो मुद्रा है रूबल. यहाँ की मुद्रा है. ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है कृषि अनुसंधान तथा जल प्रबंधन. अभी हाल ही में कृषि अनुसंधान तथा जल प्रबंधन के लिए पंजाब ने एक देश के साथ समझौता किया है. तो पंजाब ने किस देश के साथ समझौता किया है तो किया है इसराइल देश के साथ पंजाब ने समझौता किया है. तो बात करते हैं इसराइल की. तो इसराइल की जो राजधानी है वह है यरूशलम और वहाँ की जो मुद्रा है वह है न्यू शेकेल. वहाँ की मुद्रा है. बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है इसराइल के तो प्रधानमंत्री हैं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू. यहाँ के प्रधानमंत्री हैं. बात करते हैं राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति कौन है तो राष्ट्रपति है सिमोन पेरेज. इसराइल के राष्ट्रपति हैं. बात करते हैं राजधानी कौन सी है तो राजधानी है यरूशलम. यहाँ की राजधानी है. आप मैप में देख सकते हो कहाँ पर स्थित है इसराइल. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है प्राथमिक स्वास्थ्य से. अभी हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है. तो ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है. ये कजाकिस्तान में किया गया है. ठीक है. अभी सम्मेलन में बात कर नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं तो बात कर नेतृत्व कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा. भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. बात करते हैं यहाँ पे कजाकिस्तान की. तो आप हमें देख सकते हो कजाकिस्तान कहाँ पर स्थित हैं. बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है तो राजधानी है कजाकिस्तान की अस्थाना. यहाँ की मुद्रा है तेंगे. यहाँ की मुद्रा है. बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है कजाकिस्तान के तो राष्ट्रपति का नाम है नूर सुल्तान नर्बियाग. यहाँ के राष्ट्रपति हैं. बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है तो प्रधानमंत्री हैं करीम मसीमाओ. यहाँ के प्रधानमंत्री हैं. ठीक है. दोबारा बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री हैं करीम मसीमाओ. यहाँ के प्रधानमंत्री हैं. और राष्ट्रपति का नाम क्या है तो राष्ट्रपति का नाम है नूर सुल्तान नर्बियाग. यहाँ के राष्ट्रपति हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है आईएनएसए शिक्षक पुरस्कार. अभी आईएनएसए शिक्षक पुरस्कार 2018 है तो मिला है प्रोफेसर आशीष मुखर्जी को. ये मिला है जो कि असम से संबंधित है. किसको मिला है ये पुरस्कार आशीष मुखर्जी को ये पुरस्कार दिया गया है. ठीक है. यहाँ पे आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है तो आईएनएसए की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी. आईएनएसए की फुल फॉर्म है. देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन संबंधित है दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार. अब दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार कहाँ पर स्थित है कौन सा देश है ये दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार तो ये देश का नाम है भारत. दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार है. अब ये तो दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार है तो पहला कौन है तो पहला है चीन. चीन पहला सबसे बड़ा सौर बाज़ार है. अब बात करते हैं चीन की. आप मैं देख सकते हो चीन कहाँ पर स्थित है. बात करते हैं चीन की मुद्रा क्या है तो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी. और चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है सभी जानते हैं शी जिनपिंग. यहाँ के राष्ट्रपति हैं. बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है तो प्रधानमंत्री का नाम है ली कचियांग. चीन के प्रधानमंत्री हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है म्यांमार का राजदूत. अभी हाल ही में म्यांमार का नया राजदूत नियुक्त किया गया है तो उनका क्या नाम है तो उनका नाम है सौरभ कुमार. अभी यहाँ पर म्यांमार की बात हुई है तो आप देख सकते हो म्यांमार कहाँ पर स्थित है. ठीक है. बात करते हैं म्यांमार की तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदा. यहाँ की राजधानी है. मुद्रा है वेमिस क्याट. यहाँ की मुद्रा है वेमिस क्याट मुद्रा है. बात करते हैं राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का नाम है यू विन मिंत. यहाँ के राष्ट्रपति हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है हसनम्मा मंदिर. अभी हसनम्मा मंदिर किस राज्य में स्थित है तो ये किस राज्य में है ये कर्नाटका राज्य में है. बात करते हैं इसमें ये चर्चा में क्यों है तो इसको बस दिवाली के समय ही एक सप्ताह के लिए खोला जाता है और यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ काम होता है तो इसलिए अभी चर्चाओं में है. अब यहाँ पे कर्नाटका में स्थित है तो कर्नाटका की बात करते हैं. तो आप में देख सकते हो कर्नाटका कहाँ पर स्थित है. बात करते हैं इसकी राजधानी तो राजधानी है बेंगलोर. यहाँ पे कितने ज़िले हैं कर्नाटका में तो 30 ज़िले कर्नाटका में स्थित हैं. बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है कर्नाटका का तो क्षेत्रफल है 191,791 इसका क्षेत्रफल है. बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है तो सीएम है एच डी कुमारस्वामी. यहाँ के सीएम हैं. बात करते हैं गवर्नर कौन है तो गवर्नर हैं वजूभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं. ठीक है.
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री को चुना गया है, तो उन प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात करते हैं इन्होंने किन का स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है रानिल विक्रमा सिंधे का इन्होंने स्थान लिया है। बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर श्रीलंका को आप मैप में देख सकते हो कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, यहाँ की दूसरी एक और राजधानी उसका नाम है श्री जयवर्धनापुरा, यहाँ की दूसरी राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको संबंधित है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, अभी हाल में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है, तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है इंडिया के सौरभ कोटारी ने, विश्व बिलियर्डशिप चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसने इन्होंने किन को हरा कर जीता है? तो इन्होंने हराया है डेविड कोसियर को, हराया है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो कि डेविड है वो 6 बार चैंपियन रह चुके हैं और पिछले साल के भी चैंपियन डेविड ही थे। इनको इस साल सौरभ कोटारी ने हरा दिया है जो और विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन संबंधित है इंडियन वुमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल। अब इंडियन वुमेन ऑर्गेनिक फेस्टिवल पर अभी हाल में एक फेस्टिवल हुआ है जिसका 5वां संस्करण है, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है मेनका गांधी ने, इनका उद्घाटन किया है। और मेनका गांधी कौन है? तो मेनका गांधी है महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन वुमेन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आप में देख सकते हो मेनका गांधी की फ़ोटो कौन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है WETEX 2018 का 20वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो 20वां संस्करण WETEX का 20वां संस्करण हुआ है दुबई में हुआ है। अब WETEX की फुल फॉर्म क्या है? तो WETEX की फुल फॉर्म है W मीन्स वाटर, E यानी एनर्जी, T यानी टेक्नोलॉजी, E यानी एनवायरनमेंट और X यानी एग्जीबिशन। तो ये वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन 2018 का 20वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो 20वां संस्करण हुआ है दुबई में। दुबई कहाँ पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में यह स्थित है, जो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर दुबई है। अब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है तो आप मैप में देख सकते हो सऊदी अरब अमीरात कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा है धीरम। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मकुतम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल निहानिया के राष्ट्रपति हैं। ये हो गई अपने संयुक्त अरब अमीरात की पूरी डिटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको GIFF भी बोला जाता है। गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है असम में, ये हुआ है। अब यहाँ पर असम की बात हुई है तो आप मैप में देख सकते हो असम कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं असम की राजधानी क्या है, तो राजधानी है दिसपुर। यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। यहाँ के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी। बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 78,438 असम राज्य का क्षेत्रफल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है रैंक में सबसे बड़ा सहकारी। अभी हाल ही में रैंक में सबसे बड़ा सहकारी किसको बताया है? तो इसको बताया है तो इफ्को को सबसे बड़ा सहकारी बताया है। इफ्को यानी IEEFCO इफ्को को सबसे बड़ा सहकारी बताया है। तो यहाँ IEEFCO की फुल फॉर्म क्या है, इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ्को की फुल फॉर्म है। बात करते हैं इफ्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय है दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इफ्को के तो अध्यक्ष हैं श्री BS नकाई, यहाँ के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन स्टार्टअप पुरस्कार 2018। ये जो पुरस्कार है किसने जीता है, तो जीता है रूपम शर्मा ने इस पुरस्कार को जीता है, जो कि कहाँ पर हो रही है, तो बर्लिन में ये हो रही थी, जिसको रूपम शर्मा ने जीत लिया है, ठीक है। बात करते हैं रूपम शर्मा ने, तो जनवरी में 2018 में इन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी जीता था, किसने? रूपम शर्मा ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर पहुँचे हैं? ये जापान में पहुँचे हैं। अब जापान पहुँचे तो जापान बार बार जाते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इनकी कौन सी मीटिंग है? तो ये है भारविन दोनों की बैठक है। यहाँ पर जापान की बात हुई है तो आप मैं देख सकते हो जापान कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो शिंजो आबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान में सम्राट भी होता है, तो सम्राट का क्या नाम है? तो सम्राट का नाम है अकिहितो, जापान के सम्राट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व कृषि पुरस्कार। विश्व कृषि पुरस्कार प्रथम बार दिया गया है और किसको दिया है, तो MS स्वामीनाथन को दिया है। सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन कौन है, इनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं
एम एस स्वामीनाथन को। तो ये हो गए अपने 28 अक्टूबर के करंट अफेयर, साथ में उनकी जीके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में आपने जो वीडियो है इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि भी वो अभी अपने चैनल से जुड़ सके, साथ में पूरी वो भी करंट अफेयर अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।